हे गाइस, मैं शांभवी पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब के इंटरेस्टिंग से सेशन में, जिसमें मैं आपको वर्ड ऑफ द डे देने वाली हूँ। एंड आज का जो शब्द है उसका सिनोनिम, एंटोनिम, यूसेस सब कुछ हम लोग डील करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द आपका पी अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। इस शब्द को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं, कल यानी 15 सितंबर से नए बैच कोर्सेज आ रहे हैं। सो आप देख सकते हैं ये सफलता बैच, फाउंडेशन बैच कोर्स, इसके अलावा अनएकेडमी पे फुल सिलेबस आपका घर बैठे कवर कराया जा रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आपको पीडीएफ प्रॉपर मैनर में मिल जाएंगे गाइस। आप जितने भी क्लासेस करते हो उसका पीडीएफ आपको मिलता जाता है। आपको अगर किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट है, आप आस्क अ डाउट फीचर में अपने डाउट को आस्क कर सकते हो। इसी फोटो खींच कर सबमिट करना है, जो हमारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे वीडियो बनाकर प्रॉपर। ठीक है गाइज, अभी सितंबर महीने में कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, तो अगर आप इन ऑफर्स को अवेल करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इस कोड का प्रयोग करना है। यहाँ से इमीडिएटली आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, बाकी आप अगर और डिस्काउंट चाहते हैं तो ये नंबर है 7318416172, इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना बात कर लो, है ना। जो बेस्ट आपका डिस्काउंटेड अमाउंट है उस पे सब्सक्रिप्शन करो और सब कुछ सेट करके लेट्स क्रैक इट करो गाइस। चलिए आइए अब आगे मूव ऑन करते हैं गाइस। यहाँ पे देखो आज का जो हमारा शब्द है, दिस इज प्रोफाइल रेट। इसका मीनिंग क्या होता है? एसएससी का बड़ा फेवरेट शब्द है गाइस, ये कई बड़ी पेपरों में भी आया है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही हो, है ना, उसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही हो, क्विकली नंबर आ रहा हो। तो इसे हिंदी में कह सकते हैं, मैं लिख भी देती हूँ, कोई भी चीज या कोई भी थिंग अगर संख्या की दृष्टि में, संख्या की दृष्टि से अगर कोई भी वस्तु बहुत ही तीव्रता से वृद्धि हो रही है, बहुत ही तीव्रता से बढ़ रही है, संख्या की दृष्टि से वस्तु अगर तीव्रता से बढ़ रही है, तो उसके लिए हम लोग प्रोफाइल रेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो आओ तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे। बढ़ोतरी के लिए कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे लगाओगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो गाइस, इसके जितने सिनोनिम्स हैं पहले हम लोग ये देखेंगे। एस्केलेट, एस्केलेट मतलब भी होता है किसी चीज का बढ़ना, है ना। कोई चीज अगर बढ़ रही है या बढ़ाना या बढ़ना जो है ना, दिस इज एस्केलेट करना, मतलब टू कॉज समथिंग टू बिकम स्ट्रॉन्गर, टू बिकम ग्रेटर, हायर। ठीक है, तो कोई चीज अगर यहाँ पे इंक्रीज रैपिडली नंबर है, यानी यहाँ पे बढ़ने की बात हो रही है, ठीक है, बढ़ना बढ़ाना दोनों क्या है, प्रोफाइलेट। एस्केलेट करना मतलब किसी चीज को और इंक्रीज कर देना। किसी भी शब्द के लास्ट में अगर एटी लगा होता है चैंपियंस, तो ये जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है ना। मशरूम मतलब कोई भी चीज, जैसे मशरूम बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, वेरी क्विकली, ठीक है, तो वही वाली बात है। मशरूम इज समथिंग रिलेटेड टू कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है ना। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा होकर एकदम से बढ़ती जा रही है संख्या में, कोई चीज बहुत ज्यादा आ रही है, इंक्रीज हो रही है इन नंबर। तो कोई भी चीज अगर इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है इन नंबर, तो उसके लिए भी हम मल्टीप्लाई का प्रयोग करते हैं। चलो, दिस इज रनरॉइड। रनरॉइड क्या होता है? कोई भी व्यक्ति अगर बिहेव कर रहा है इन अ वाइल्ड वे विदाउट एनी कंट्रोल, है ना। कोई भी चीज अगर काबू से बाहर होकर एकदम बहुत तेजी से बढ़ रही है, दैट इज वो चीज भी रनरॉइड हो रही है, राइट। नेक्स्ट है दिस इज बर्जॉन। इसका क्या होता है गाइस? इसका इस ये आपका कोई चीज जो ग्रो करता है रैपिडली, है ना। कोई चीज अगर बिगिन टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली है, बहुत तेजी से फ्लरिश कर रही है, हाँ बहुत तेज से बढ़ रही है, इसी को फ्लरिश करना कह सकते हैं। ऑलराइट, FLOURISH। तो गाइस, प्रोफेलरेट का एस्केलेट, मशरूम, मल्टीप्लाई, रनरॉइड और दिस इज बर्जॉन, ये जितने टर्म्स हैं इनका सबका मीनिंग क्या है? बढ़ना। चलो गाइस, आपने सिनोनिम देख लिया, अब एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम में यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, कोई चीज अभी तक बढ़ रही थी, अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी सिकुड़ रही है, कम हो रही है, डिक्रीज मतलब भी कमी होता है, ठीक है। ड्विंडल इज समथिंग रिलेटेड टू कोई चीज कम हो रही है, घट रही है, कमी ग्रुप से छीण हो रही है, वो ड्विंडल होता है, ठीक है। हाँ, डिमिनिश मतलब भी कम होता है। तो गाइज, ये सारे की सारी चीजें ये कम हो रही हैं, प्रोफाइल रेट में हम इंक्रीज कर रहे थे, इधर ये चीजें आपकी डिक्रीज हो रही हैं, कम हो रही हैं, है ना। चलो, प्रोफाइल रेट का देखो, जैसे जो रैपिड्स होते हैं ना,
खरगोश के बारे में बोला जाता है, देयर इज रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इन 1 ईयर. एक साल में ना इनकी रिप्रोडक्टिव जो मेच्योरिटी वो कंप्लीट हो जाती है, फिर से ये बच्चे दे पाते हैं. सो दे कैन प्रोलिफरेट एक्सट्रीमली फास्ट, इसीलिए ये खरगोश बहुत जल्दी इंक्रीज करते हैं इन नंबर्स, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10, 10 से 15, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो प्रोलिफरेट मतलब इंक्रीज होना. ऑल राइट, जैसे देख सकते हो आज के टाइम पे जो स्मॉल बिजनेसेस है ना, दे हैव प्रोलिफरेटेड इन द लास्ट 10 ईयर्स. पिछले 10 सालों से छोटे छोटे बिजनेसेस बहुत सारी संख्या में बढ़ चुके हैं, है ना. दूसरा देखो, एक और एग्जांपल मैंने दिया है, एज बैड लोन्स, जो बुरे आपके लोन्स हैं वो बढ़ रहे हैं, इसीलिए जो इन्वेस्टर्स हैं ना, दे आर लेस विलिंग टू बाय बैंक डेब्ट एंड इक्विटी मेकिंग कैपिटलिस्ट स्कार्सर. अब जो लोन्स वगैरह हैं वो बहुत ज्यादा बुरे वाले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो रुपए बहुत कम लगा रहे हैं बैंक डेब्ट में, बैंक से लोन लेने में, इक्विटी लेने में, और उसके कारण जो कैपिटल स्कार्सर, ये कैपिटल की कमी होती जा रही है. राइट, हाँ जी. तो बस गाइस याद रख लीजिएगा, प्रोलिफरेट का मतलब होता है बढ़ोतरी होना. तो बढ़ोतरी के जितने भी ऑप्शंस हैं मैंने आपको पिक्चर के थ्रू भी दे दिया है ना. इसके जो भी सननिम थे, जो भी एंटोनिम थे, वो सारे मैंने आपको लिख दिए हैं गाइस, आराम से इसको कर लेना. बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे तुम्हें डेली बेसिस पे मिलता रहेगा, और अब मैं आपको डेली वो क्या आपका एक आपका यहाँ पर वर्ड कराती रहूंगी, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी होगा, है ना. इसके अलावा गाइस रात के 1 बजे और 10 बजे की जो मेरी क्लास है वो डेली बेसिस पे चलती है, फ्री वाली. और जो बच्चे अनअकैडमी पे मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में जुड़ना चाहते हैं गाइस, दिस इज द कॉन्टेक्ट नंबर. राइट, 1 बजे और रात के 10 बजे वाली जो क्लासेस हैं उसमें अटेंटिव रहिए, मेहनत करिए और इस बार SSC आर्या पार करिए. ओके गाइस, डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट. थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर.